नहीं, मैंने पत्र लिखा है अपने अध्यक्ष जी को, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी जो हैं उनको लिखा है, और अपनी बात बताई है भाई। मैं उस टाइम पे मेरे और मेरे कार्यकर्ता हम लोग भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या नाम है प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही मैंने उनसे 4.5 महीने में रहा हूँ इस पार्टी को, तो निवेदन किया है कि कुछ काम हैं जो पुराने हैं, पेंडिंग हैं, उनको वो उनकी समीक्षा की जाए, समीक्षा करें। मैंने डिमांड रखी है कि भाई आप क्या नाम है इसको वैधानिक दर्जा कराएं। नहीं, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं ना। एडजस्ट क्यों नहीं हो पा रहे, कारण क्या है? किस कारणों से? विचारधारा का है, कारण विचारधारा का है। जो विचारधारा मेरे दिलो दिमाग में है और कांग्रेस विचारधारा है, उस विचारधारा में बीजेपी की विचारधारा में रात दिन का फर्क है। हमने सोचा कि हम शायद एडजस्ट हो जाएंगे, ये हमको एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन दोनों बात नहीं हो पाई। हाँ, ये था कि जब ज्वाइन किया था तो शायद पार्टी में अगर ये मुझे उपयोग समझ के और सांसद का टिकट देते तो हो सकता है बेटर रिजल्ट हो सकते थे। नहीं, सचिन पायलट हमारे नेता हैं और मैंने उनका समर्थक रहा हूँ, और काश अगर ये लालच नहीं होता कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में जो मुख्य हैं और सबको साथ लेके चलते तो कांग्रेस राज आ जाता। पर जब व्यक्ति अपने आप को बड़ा मान लेता है और अहम और घमंड के साथ में ये दिखता है कि अगर ये लोग आए तो मेरा नुकसान होगा, पत्ता कटेगा, तो उनको वो ढब लगाने लगते हैं, तो ऐसी तो अशोक सचिन पायलट को ढब लगाने में कोई कमी रखी थी क्या? ऐसे कैसे हमको आउट कर दिया? मेरा दोष क्या था कि मैं सचिन पायलट की तारीफ वो करता हूं और ये कहता हूं सचिन पायलट आएगा तो राज आ जाएगा। मेरे लिए अशोक गहलोत जी बहुत बुरे हैं, नहीं मेरे लिए सचिन पायलट जी बहुत अच्छे हैं, भाई एडजस्ट करके चलते तो राज आ जाता। तो मैंने तो कोई गलत कहा नहीं, लेकिन उसका मुझे बहुत बड़ा सजा मिली, टिकट काट दिया। टिकट काटने के बाद में बिल्कुल आउट कर दिया। फार्म भरा था तो फार्म के लिए भी आके कोशिश कर सकते थे, भाई कोई बात नहीं, आप मत लड़ो, आपको लोकसभा लड़ा देंगे, कर देंगे क्या नहीं, मतलब जब इनको परवाह नहीं है तो हम परवाह क्यों कर रहे हैं भाई? जयराम जी की चल दिए और अभी परवाह नहीं हमें तो कहना, हम जो पार्टी ने से तालमेल नहीं खा रहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दिया। कोई वक्त आएगा, मौका आएगा और सम्माननीय क्या नाम बात होगी तो देखेंगे, कांग्रेस में कोई बात नहीं। एक नहीं और एक आदमी पे और फर्क पड़ता, एक तो जीतते ही जीतते और फर्क पड़ता। बात क्या है कि होमवर्क करने में गड़बड़ हुई, अहम घमंड दोनों पार्टियों को वही गड़बड़ हुई है, सबको पता है, पूरी जनता जान रही है कि 5 सीटों में क्या होने वाला है, आपको मालूम है क्या होने वाला है। अच्छे रिजल्ट रहेंगे, किसके अब अच्छे रिजल्ट रहेंगे, मैं किसी पार्टी का क्यों नाम लूं, मैं बीजेपी से अभी रिजाइन किया है, कांग्रेस में होने तो मैं अपना आपको क्यों दोषी मानूं।